का मुख्य कारण है ये करने का कि उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी, यहां बिहार में भी एक बुआ है तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। क्रूरता बुआ कोई मुंह नहीं खोलती है, 13 घंटे के बाद बोलती है कि 7 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाई तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज में, आपके साथ मानसी मिश्रा। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उसके बाद उसकी हत्या को लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को जमकर दुत्कारा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। का मुख्य कारण है ये करने का कि उत्तर प्रदेश में हमने सुना था भतीजा और बुआ की जोड़ी थी, यहां बिहार में भी एक बुआ है तेजस्वी जी की। ये तेजस्वी जी का बुआ का नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 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 1-1 लाख रुपया दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी, लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती हूं। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वलित भी हैं, परेशान भी हैं। और मत भूलिए कि इसी बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। कितनी घृणित बात है ये कि एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो रात में ड्यूटी कर रही है सरकारी अस्पताल में, जहां गरीब के बच्चे जाते हैं अपनी डिलीवरी करवाने, गरीब माताएं जाती हैं अपने इलाज करवाने, वो रात को बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और अगले दिन सुबह में माँ बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। 3 घंटे तक माँ बाप को शव नहीं देखने दिया जाता है। और शव मिलता है जब, तो शव के दोनों पैर 90 डिग्री पे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी निर्ममता से हत्या की गई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि सीमेन का लोड बहुत ज्यादा था, वीर्य बहुत ज्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है कि वीर्य एक ही आदमी का था कि कितने आदमी का था। पुलिस लगातार एविडेंस को हटाए जाती है। 12 घंटे तक क्रूरता बुआ कोई मुंह नहीं खोलती है, 13 घंटे के बाद बोलती है कि 7 दिन में पुलिस नहीं पकड़ पाई तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की संगीनता को देखते हुए पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा धत्ता बताया और कहा कि पुलिस की निष्पक्षता पे हमें भरोसा नहीं कर सकते, मामला सीबीआई को दो। ठीक है, मामला सीबीआई को गया, सीबीआई जांच शुरू करती है। अब देखिए क्रूरता बानो को और नंगा खेल कि जब सीबीआई में चला गया, पुलिस के हाथ से बात निकल गई और आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उस अस्पताल में सबूत हो सकते हैं एविडेंस साइट पर, तो रात को 15 अगस्त की रात को 14 अगस्त की रात 12:30 बजे 5,000 की भीड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पे ही हमला कर देती है। ये इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ है, ये बंगाल में ही हुआ है, पूरे मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, 5,000 की भीड़, 8 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा सीधा सीधा सवाल है, क्रूरता बानो क्या किम जोंग से कुछ सबक उबक ले ली है क्या कि अपनी जनता को इसी तरह से बुलडोज करती रहेंगी? तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की राजनीति कर रही है वो, जिसके कारण मानव तो पूरी मानव जाति, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिला भी नहीं बच रही है। रेप हो जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सीन ही नहीं है और सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि एक राज्य में इस तरह हो रहा है तो उस राज्य से दूसरा राज्य अछूता नहीं है। इसी बिहार के 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है? बंगाल में किसी की सुरक्षा की गारंटी है? बंगाल में सिर्फ आज एक कौम की सुरक्षा की गारंटी है, रोहिंग्या की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीयों की गारंटी नहीं है। आप कन्विक्शन रेट देखिए, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं,
एनसीआरबी का डेटा निकाल लीजिए आप लोग और बंगाल का कन्विक्शन रेट देखिए, देश में सबसे कम है, 2.3%। 98% केस पेंडेंट, पेंडे मतलब पेंडेंसी में रहती है, लटकाना अटकाना भटकाना। और सीबीआई को जब केस गया तो सीबीआई के केस सॉल्वेंसी रेट 70% है पिछले 4 सालों से। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई ने आवश्यक सबूत जुटा लिए होंगे, क्योंकि ये 5000 की भीड़ जो हमला की थी वो सबूत मिटाने का कोशिश थी। ये सारे लोग कह रहे हैं, एक एक मीडिया चैनल कह रहा है, वहां के लोकल कह रहे हैं। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि ममता दी उर्फ क्रूरता दी, आपसे शासन नहीं संभल रहा है और तुष्टिकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों की राजनीति, बांग्लादेशी मुसलमानों की राजनीति करके आप इस देश में अव्यवस्था फैला रही है। आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर का तो इस्तीफा आप तुरंत दिलवा देती हैं, आरजी कार के सुपरिटेंडेंट का, ड्रामा करने के लिए। और 4 घंटे के अंदर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। क्या समझ रही है ये कि देश की जनता या कलकत्ता की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता क्या मूर्ख है? खुदा न करे अगर आप लोग सोचिए जरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी जनता मुझे सुने, बस सोचिए जरा कि एक डॉक्टर बनने में 4.5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल, उसके बाद 3rd वर्ष PG में थी वो 31 साल की जवान लड़की, क्या उसके किस्मत में यही लिखा था उसको रेप करके उसको ब्रूटली मार दिया जाए? हम में से किसी के घर में ये हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग? और वो महिला मुख्यमंत्री है, महिला की संवेदनाएं ज्यादा होती है, चिल्ला चिल्ला के वहां पे महिला छात्रे कह रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। ये नहीं पता है महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्रूर मुख्यमंत्री है, ये क्रूरता बनर्जी है। और हम भारतीय जनता पार्टी इनको हर कदम पर एक्सपोज करेंगे। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दें। धन्यवाद। तो सुना आपने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी कहा है, साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भी जमकर सुना दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे देश टी न्यूज के साथ। धन्यवाद।